फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट फील्ड में जाना चाहते हैं। कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ पायलट बनना चाहते हैं और कुछ आर्मी में जाना चाहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कौन से कोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है, कौन सी एजुकेशन आपको रिक्वायर्ड है और कौन सी सब्जेक्ट आप रख के अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के करियर को बेस्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है। इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना पड़ेगा। हेलो गाइज, मैं हूँ अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर डिग्रीज की बात करें तो आप BScS कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आप कर सकते हैं। अगर BScS की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें आप आगे जाके मास्टर्स भी कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, उसके बाद PhD कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए जस्ट आपको रिक्वायर्ड एक बैचलर की डिग्री, जो कि आप BScS में भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये मायने नहीं रखता कि आपकी 10th में आर्ट्स थी या साइंस थी। हाँ, आप अगर 12th में थे तो उसमें आपके पास मैथ और कंप्यूटर साइंस होना लाजमी है, फिर ही आप बैचलर की डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास एक कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए, जो कि शॉर्टकट्स हो सकता है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, वो भी आपको आना चाहिए। फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बैचलर करने के लिए ये सबसे पहला स्टेप है जो कि आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह की जो स्किल्स हैं वो एक्सपर्ट लेवल की होनी चाहिए। उसमें बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं, जैसे कि HTML, CSS, PHP, उसके अलावा JavaScript आ जाती है या Python आ जाता है, ठीक है, .NET आ जाता है, WordPress जैसी लैंग्वेजेस वगैरह आ जाती हैं, C++ आ जाता है, C आ जाता है। तो कोई सी भी आपके पास 3 से 4 लैंग्वेजेस की एक्सपर्टीज आपके पास टोटली 100% होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब आपने डिग्री फाइनलाइज करनी है तो उसके बाद आपने एक प्रेजेंटेशन, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, जिसमें आपके पास अगर ये स्किल्स होंगी तो फिर ही आप अच्छे तरीके से एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाएंगे और उसके बाद ही आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंसीडर होंगे। फ्रेंड्स, इन लैंग्वेजेस को मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब आप बैचलर की डिग्री कंप्लीट करेंगे या कर रहे होंगे तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी न्यू लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा और प्रैक्टिकल आपके होंगे, तो उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छे तरीके से आप किसी भी लैंग्वेजेस के ऊपर ग्रिप कर सकते हैं। अगर आपको HTML आती है, CSS आता है, PHP आती है या बूटस्ट्रैप आता है, तो आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर अच्छे तरीके से विद इन 1-2 weeks में आप अच्छी ग्रिप बना सकते हैं और अपनी डिग्री को और अपनी स्किल्स को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आपके पास जो भी स्किल्स हैं, जो भी एबिलिटी है, उसको आप मजीद शार्प करें और अच्छी तरीके से आप उसकी जो ग्रिप्स हैं वो टोटली अपनी जो है वो उसको इम्प्रूव करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एक अच्छा और बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपके पास आपकी जो स्किल्स के लॉजिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप अच्छे तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर पाएंगे और एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ रही है कि आपके जो लॉजिक्स हैं वो क्लियर नहीं है, लेकिन आप इसको मजीद इम्प्रूव करना चाहते हैं, मजीद आप इसको बिल्ड करना चाहते हैं, तो बैचलर की डिग्री के साथ एक कोर्स होता है जिसको आप अगर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपके लॉजिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद आपकी डिग्री जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप किसी प्रोग्रामिंग के ऊपर ग्रिप कर सकते हैं, किसी भी डिग्री में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो बन सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आप ये ट्राई करें कि जब आप बैचलर की डिग्री कर रहे हों तो उसके साथ जो भी आपको लैंग्वेजेस वगैरह सिखाई जा रही हों तो उसमें आप छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर्स होती हैं उनको डेवलप करने की कोशिश करें, उसके लॉजिक्स क्लियर करें, उसकी फाइनलाइजिंग करें, उसकी टेस्टिंग करें और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करें, जैसे कि आप फ्यूचर में इसको फाइनल प्रोजेक्ट जो है उसको बना रहे हैं। अगर ये आप काम करेंगे तो लास्ट के ऊपर जब आप जाएंगे तो आप एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स, एक और आपको बात बताता चलूं कि जब भी आप अपनी बैचलर की डिग्री कर रहे हो, अपनी कोडिंग को कर रहे हो, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कर रहे हो, तो जो कोडिंग होती है किसी को सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो उसकी प्रैक्टिस जो है उसको दिन रात करें, अच्छे तरीके से करें, बहुत ही अच्छे तरीके से करें, तभी आप लास्ट के ऊपर जाके बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाएं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों
चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं। डायरेक्ट बड़ा सॉफ्टवेयर जो है आप ना बनाएं, उसमें डिस्टर्बेंस भी होगी और आपका माइंड जो है वो भी ख़राब होगा और आपकी इंटरेस्ट जो है वो भी कम होगा। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बनाएं, छोटी छोटी कामयाबियों के साथ ही एक बड़ी कामयाबी जो है वो बंदे को मिलती है। फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। इंटर्नशिप से ये होगा कि जो भी आपको पार्ट टाइम मिलेगा यूनिवर्सिटी से, आप कहीं पर सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे और वहाँ पर जाके आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे। इंटर्नशिप में आप वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो कि डिफरेंट फील्ड्स के रिलेटेड होंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होंगे और डिफरेंट उसकी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी। आपके साथ बाकी लोग होंगे, अगर कहीं से आपको मसला आता है तो आपको गाइडेंस मिल सकती है और आपके जो बॉस होंगे वो भी आपको अवेयर कर सकते हैं। तो ये सेपरेट जो आपकी पार्टनरशिप होगी यानी कि जो इंटर्नशिप होगी वो बहुत ही अच्छी इंपैक्ट करेगी आपके जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उसमें और आपकी डिग्री इंप्रूवमेंट और आपकी प्रोग्रामिंग कोडिंग इंप्रूवमेंट में। फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 6 की बात करें तो आप मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप अप्लाई करें। फ्रेंड्स, MCA अप्लाई करने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो डिग्री है उसके साथ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल की एक और डिग्री मिल जाएगी, जिससे आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर है उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा स्टार रेटिंग के साथ आपको टैग मिलेगा। बट यहाँ पे अगर आप इंटर्नशिप नहीं करना चाहते तो नो इशू, आपकी जैसे बैचलर की डिग्री कंप्लीट हो तो आप MCA में अप्लाई कर दें। MCA में अप्लाई करने से ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनते हैं और आपको बताया जाएगा कि कैसे एक सॉफ्टवेयर बनता है, कैसे उस सॉफ्टवेयर को हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसके अलावा फिजिकली रोबोट्स कैसे बनते हैं, फिजिकली रोबोट्स में जो ब्रेन होती है कैसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के जरिए उसको मेंटेन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसमें चेंजिंग करते हैं फिजिकली, ईच इन एवरीथिंग MCA में आपको बताया जाएगा। तो जैसे ही आपकी बैचलर की डिग्री कंप्लीट हो तो आप MCA में अप्लाई कर दें या इंटर्नशिप में अप्लाई कर दें, दोनों ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड, लास्ट के ऊपर ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपने एक अच्छा, बेहतरीन और एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो कि मैंने इस वीडियो में बताई हुई है उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। और अगर आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल कर लेते हैं तो आप एक दिन बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। और इंशाल्लाह मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं और आप एक दिन लाजमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड वीडियोस मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।